बारडी फ्लाईओवर गिरने की घटना को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गंभीरता से लिया है। क्षेत्रीय कार्यालय एक्शन में आ गया है और ठेकेदार कंपनी DGCL के प्रोजेक्ट इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है। इसी प्रकार कंसल्टेंट कंपनी के अधिकारी को भी 3 माह तक प्रोजेक्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इतना ही नहीं, NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी प्रोजेक्ट से हटाकर नए प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जिम्मेदारी सौंप दी गई है ताकि जांच में निष्पक्षता बनी रहे। इस बीच केंद्रीय कार्यालय से अधिकारी आकर साइट का मुआयना कर चुके हैं और जल्द ही अन्य टीमें भी पहुंचने वाली है ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। क्षेत्रीय अधिकारी राजीव जायसवाल ने बताया कि GDCL के प्रोजेक्ट मैनेजर विजय अहिर को एक वर्ष के लिए हटा दिया गया है। अहिर अब NHAI के किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार सलाहकार कंपनी लासा के विपुल चक्रवर्ती को भी प्रोजेक्ट से 3 माह के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उन्होंने बताया कि NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर येवतकर को इस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया गया है और नरेश वेडटवार को जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि निष्पक्ष जांच को आगे बढ़ाया जा सके। इसी बीच केंद्रीय कार्यालय के वरिष्ठ निदेशक विजय गुप्ता दिल्ली से पहुंचे और साइट का मुआयना किया। मुआयना करने के बाद उन्होंने कुछ संकेत नहीं दिया। बताया जाता है कि 1-2 दिनों में 2 और विशेषज्ञों की टीम आ रही है जो दौरा करेगी। दौरे की रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।